चुड़ैल की, जिसका नाम रेशमा था। वह इस गांव के एक घर में नौकरानी का काम करती थी और जब जब उसका मन करता तो चुड़ैल बनकर लोगों के खून पीने के लिए चली जाती। अरे कई दिन हो गए इंसान का खून चखे, आज चले जा चखे। तब वह एक औरत के रूप में आ जाती है और वहां से चल देती है और एक घर में जाकर वहां रुकती है और उस घर के मालकिन से बोलती है, अरे यहां कोई है, थोड़ा सा सुनो और मेरे पास आओ। अगर मेरे पास आओगी तो तुमको बहुत सारा मैं धन दूंगी, दौलत दूंगी, जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगी, आओ यहां पर। अब वह घर की मालकिन जब इतना सुनती है तो जल्दी से आकर उससे बोलती है,
चुड़ैल, मैं रोक दूंगा, लेकिन तुम बताओ ये सब क्यों कर रही हो। तब बाबा उसको रोकता है और चुड़ैल बताती है, क्योंकि सारे गांव वाले को इस तरीके से मारना गलत बात है और यह पाप है। इतना कह के इस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं और वह चुड़ैल मर जाती है और बोलते हैं, गांव वाले तुम लोग सुनो, इस चुड़ैल को मैंने मार डाला है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोग जैसे जीते थे वैसे अपने जिंदगी को जियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना कह के अघोरी बाबा वहां से चला जाता है और गांव में सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे।